नमः शिवाय। अगर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त है और वह छुटकारा पाना चाहता है तो भगवान शिव का शिव ध्यान मंत्र जाप करके माफी मांग सकता है। इस मंत्र का जाप करने और माफी मांगने से भगवान शिव भोलेनाथ की दृष्टि आप पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ आपके सभी पापों को से आपको मुक्त कर देते हैं। उसके उपरांत मंत्र जाप करने से सभी प्रकार के बुरे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सावन महीने में इसका जाप करने से हर प्रकार की मुक्ति अवश्य ही जल्दी ही मिलेगी। लेकिन इससे पहले आपने भगवान भोलेनाथ का आह्वान करना होगा। आह्वान करने के बाद ही आप इस मंत्र को 21 बार बोल सकते हैं। कम से कम 21 बार आपने इस मंत्र का जाप करना होगा। मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको आह्वान नहीं करना आता है तो हमारी वीडियो आप चला करके छोड़ सकते हैं, तब भी आपको उसी इतना ही फल प्राप्त होगा। लेकिन आपने भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव की प्रतिमा के या शिवलिंग के सामने बैठ करके तब आपने भगवान शिव का ध्यान करना होगा। चलिए मैं आपको पहले आह्वान करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मंत्र बताता हूँ। ओम हिरण्य पता है, अंबिका पता है, उमा पता है, पशु पता है, नमः ईशान सर्वविद्यान ईशान सर्वभूतान ब्रह्माधिपता ब्रह्मधिपते ब्रह्म शिवो अस्तु सदा शिवोऽहम् तत्पुरुषाय विद्महे ऋग्शुद्धाय धीमहि तन्नो शिवि प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ति धीमहि तन्नो शिवो प्रचोदया। त्रिपुरार त्रिगाल काल लिंगल रुद्राय नीलकंठ मामृतंजाय सर्व शराय सदा शिवाय श्रीमान महादेवाय श्रीमान महादेवाय। शांति शांति नमः। अगर आपको ये मंत्र आह्वान नहीं करना आता है तो आप हमारा वीडियो चला करके छोड़ सकते हैं, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। आह्वान मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो ये शॉर्ट में मैं आपको आह्वान मंत्र बता देता हूँ। श्री शंभू का आह्वान मंत्र मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, अगर लॉन्ग में बताऊँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसे समझने में थोड़े उलझ जाओगे। चलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ 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 नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ
ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः। 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 ये 21 बार मंत्र हो गए हैं, लेकिन अगर आप 108 बार ये मंत्र का जाप करें थे अति शीघ्र ही आपको धन की प्राप्ति भी इसमें होगी और भगवान शिव सदा आपके साथ और आपके घर में वास करेंगे। ये मंत्र मैंने 21 बार बोला है, आप 108 भी जाप कर सकते हैं। हम तो 108 बार करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता है 108 बार तो आप 21 बार जाप कर सकते हैं। लेकिन आह्वान जरूर कीजिएगा भगवान शिव कि भगवान शिव आपका ध्यान से सुने मंत्र, आपका आह्वान सुने, आपकी जो प्रार्थना है वह जरूर सुने। और लास्ट में कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भाई इस वीडियो को चलाएगा मैं उसके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा और ये आह्वान मंत्र मैं उसके लिए जरूर बोलना चाहूंगा जो मेरी वीडियो को देखेगा, और मैं उसके लिए भला करना चाहूंगा कि उसका भला हो जाए जो भी इस मंत्र को या वीडियो को देख रहा है। तो चलिए मंत्र हम दोबारा से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ॐ नमो रुद्राय नमः। ॐ नमो भगवते 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 रुद्राय नमः। ॐ
नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और का भी भला हो सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।